तो जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद वर्मा, विनोद स्पोर्ट डिफेंस एकेडमी से। दोस्तों आज मैं बात करूंगा हर्डल एक्सरसाइज की। हर्डल एक्सरसाइज कैसे करना है दोस्तों, किसके लिए जरूरत है, चाहे 1600 मीटर करते हो, चाहे स्पिन करते हो, चाहे जंपिंग करते हो, आपको इसमें स्पीड, पावर, एंड्योरेंस, आपको सब कुछ मिलेगा। तो आओ दोस्तों देखते हैं हर्डल एक्सरसाइज, और आपको ये वीक में एक से दो दिन कर सकते हो। तो आओ दोस्तों देखते हैं एक्सरसाइज। तो दोस्तों हर्डल पे हम फर्स्ट एक्सरसाइज, हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, इसमें आपको पहला पैर आगे की तरफ से उठाना है। और दोस्तों आपको एक बात बता दूँ, ये आपको दोनों लेग से ऐसे ही करना सेम टू सेम। अभी मैं एक लेग पहले आगे डाल रहा हूँ, तो दूसरे लेग से भी आपको एक सेट करने के बाद आप कर सकते हो। और दोस्तों जिस भाई के पास हर्डल नहीं है, तो वो जो देसी जुगाड़ होता है पाइप लगा के, ऐसा आप बना सकते हो कि दोस्तों इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा आपका स्पीड में, पावर में और एंड्योरेंस में। अगर आप ये कंटिन्यू करते हो, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले स्लो मोशन में आप देख लो, ये करने के बाद आपको कंटिन्यू जॉग करना है। इससे आपका एंड्योरेंस पे भी, पावर पे भी और स्पीड पे भी फ़र्क पड़ेगा। ये बेस्ट एक्सरसाइज रहेगा दोस्तों आपके लिए, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है। स्टार्टिंग में आपसे ये एक्सरसाइज नहीं होगा, आप एक बार दोबारा स्लो मोशन में देखो, पहले एक पैर निकाला, फिर थोड़ा जंप रहना चाहिए, फिर एक पैर निकाला। ये सेम टू सेम दोस्तों आपको ट्राई करना है कि, और इसमें आपकी बैक पीछे की साइड नहीं जानी चाहिए। कुछ कुछ दोस्तों आपको टेक्निक भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो इंजरी के चांसेस भी हो सकते हैं। और दोस्तों याद रखें कि एक्सरसाइज करने के बाद आपको साइज स्लो जॉग करो, जॉग करना है। अगर आप ज़्यादा थकते हो तो आप बिना जॉग करे हुए कर सकते हो एक्सरसाइज। लेकिन दोस्तों ये आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, चाहे 1600 मीटर करते हो, चाहे 100 मीटर करते हो, चाहे लॉन्ग जंप करते हो, चाहे कुछ भी करते हो। ये सब एक्सरसाइज दोस्तों ऐसी है, कोई आपको डिफेंस एकेडमी में नहीं बताता। ये सब बहुत चीज़ ऐसी है जो कि आपको पता अब चलेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है और आपको बहुत सारी चीज़ मैं बताऊंगा। और ये वाली एक्सरसाइज दोस्तों आपको साइड में करनी है, जैसे कि आपको दिख रहा है साइड में पैर निकालना है। और इसमें भी आपको कोशिश करना है कि बैक पीछे की साइड ना जाए, जो आपकी कमर है पीछे की साइड ना जाए, बॉडी स्ट्रेट रहे, ट्राई करना, ठीक है। आप इस तरह से अगर आप टेक्निक से करते हो तो आपका रनिंग में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद आपको जॉग करना है, और जॉग स्लो कर सकते हो, चाहे आप स्ट्राइड भी लगा सकते हो 70%, 80%। ये आपको 2 से 3 सेट करना है, बस मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें थोड़ी मेरी गलती है, मैंने बैक थोड़ा डाउन कर रखा है। इसमें आपको ट्राई करना है कि पैर सीधा निकालने के बाद आपका बैक सीधा रहे, और हडल थोड़ा मैंने नीचे हाइट पे कर रखा है। आपको ट्राई करना है कि आप थोड़ी ऊंची हाइट की हडल बनवाओ, ठीक है दोस्तों। आप देसी जुगाड़ से बना सकते हो, पानी के पाइप से बना सकते हो मेरे भाई। और जिस भाई को वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो एक बार लाइक जरूर करना, और कमेंट करके वीडियो बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, और आपको ये वीडियो कैसे लगी, कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको करना है, ये दोस्तों स्पीड में करना है। मैं काफ़ी दोस्तों 7-8 महीने से रेस्ट पे हूँ, बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ, और आप खुद मेरे को 1 से 2 महीने में देखना, काफ़ी फिट होऊंगा। और आपके सामने मैं 1600 मीटर भी भाग के दिखा दूंगा। खैर मैं उसकी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा नहीं करता, लेकिन फिटनेस से ही आपको अच्छी रेस भाग के दिखा दूंगा दोस्तों। अगर आपको कुछ भी फिजिकल निकालना, बस फिटनेस पे अपना फोकस कर लो, ऑटोमेटिक ही आपका निकल जाएगा। चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। फिटनेस अपनी बेस्ट रखो, बस मेरा ये मानना है दोस्तों। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको साइड से करना है हैडल के। इससे क्या दोस्तों, हैमस्ट्रिंग में पावर आएगा, काफ में पावर आएगा, एंकल में भी पावर आएगा। और जो आप कहते हो ना स्टेमिना नहीं है, भागने का स्टेमिना नहीं बन पा रहा दोस्तों, ये सब आपकी ये हेल्प करेगी। और फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है आपको। इसके बाद जो एक्सरसाइज करने के बाद आपको स्ट्राइड लगाना है, स्ट्राइड लगाने के बाद आपको जंप करना है। और दोस्तों जंप आपको जब ही करना है जब आप फिट हो, जब थोड़ा बहुत फिट हो जाते हो, जब आपको जंप करना है, तो इसका बैक पे भी फर्क पड़ता है। और ये कंटिन्यू करना है, अगर कंटिन्यू होता तो आप रुक रुक के कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप उस तरह भी कर सकते हो। और इसमें आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत मेरा उधर उधर हो रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से रेस्ट। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी।